सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सभी बज रहे 11, लगभग 11 बजने को आ गए। नहीं, मैं लेट नहीं उठा था, मैं टाइम पे उठ गया था एंड मैं 7 AM तक फ्रेश अप होकर रेडी भी हो गया था। पर भाई साहब, मैं ऐसे काम में फंसा उसमें मैं 3 आवर चले गए। एंड उस काम को मैं इसलिए अवॉइड कर सकता था, बाद में करने के लिए अवॉइड कर सकता था, ना कि अपने प्रोडक्टिव आवर में। पर नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि मैं उस काम को तभी करने लग गया एंड 3 आवर चले गए। हाँ, खैर कोई बात नहीं, अभी मैंने AS 13, 24 एंड 29 के रिवीजन कर लिया हूँ एंड अभी स्टार्ट करता है कौन सी क्लास। एंड हर वीडियो कमेंट में किसी ने पूछ रहे थे कि आप कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते हो। सो टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा टाइम टेबल बना लूंगा, बट मुझे ये भी पता है कि मैं उसे ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है। सो ऐसे में टाइम टेबल फॉलो हो नहीं पाता है, इसलिए मैं उतना टाइम टेबल पर रिलाई नहीं रहता हूँ। मेरा बेसिक यही है कि रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद अपने टू डू लिस्ट में बना लेता हूँ कि हाँ, आज मुझे ये टारगेट्स करना है एंड उसे करने में लग जाता हूँ। अगर उसमें से 70% टारगेट्स भी हो जाते हैं ना, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज कि मैं हमेशा एक दो टारगेट्स एक्स्ट्रा रखता हूँ। तो अगर 70% हो जाते हैं तो ठीक है। एंड ये अकाउंट्स का क्लास हो गया, आज अकाउंट्स का निर्माण करवाए थे जो कि छोटे ऐसे इसलिए जल्दी से हो गया। खैर अभी टैक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड भाई साहब, इतना गर्मी है कि क्या ही मैं आप लोग को बोलूं यार। अगर मैं ब्लॉग शूट नहीं करता ना, तो मैं पक्का ये शर्ट को उतार के स्टडी करता। एंड 2 PM तक टेस्ट क्लास भी हो जाती है। आपको ये मत बोलना कि भाई तूने 1.5 आवर में 3 आवर्स की क्लास कैसे देख लिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कल रात में ना मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बच गया था, तो जो मुझे टेस्ट क्लास लेना था ना आज, उससे मैंने थोड़ा बहुत ले लिया था 1.5 आवर तक, और जो बचा था उसे मैंने अभी ले लिया। और नोटिंग वगैरह भी इतना कुछ करना नहीं था, तो इसलिए टाइम पे हो गया। बाकी अभी मैं आपसे मिलता हूँ लंच करने के बाद। एंड गाइस, पता है आज मैंने ना खाना से ज़्यादा ना डांट खाया है। पहले तो मेरे को मम्मी बहुत सुनाई कि रोज़ मुझे बोलती है 1 बजे तक आ जाएगा खाने के लिए, 1 बजे तक आ जाएगा खाने के लिए, लेकिन मैं डेली लेट कर देता हूँ। फिर पापा सुना है कि पापा एक्चुअली ना मुझे 1 वीक से ना कुछ काम बोल रहे थे, तो उससे ना मैं डेली टाल रहा था कि बाद में करूँगा, और बाद में करते करते भूल जा रहा था। और मुझे पापा डेली बोलते थे कि ये कर देना, लेकिन नहीं, मैं तो डेली भूल जा रहा हूँ। बट आज उसे मैं कैसे भी करके रहूँगा। मैं डे में सोना था प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज ना जिस दिन मैं डे में सो गया ना, उससे मुझे रात को नींद आएगी ही नहीं, इसलिए मैं पावर नैप से काम चला लेता हूँ। लॉ में हमारा फेमस चल रहा है, जो कि कल तक वो भी खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड LLP एक्ट, उसके बाद लॉ खत्म हो जाएगा। भाई साहब, अभी के टाइम पे ना सिलेबस इतना स्पीड में कवर हो रहा है, बट रिविजन के नाम पर घंटा कुछ नहीं हो रहा है। एंड 6:30 PM तक मैंने टेस्ट की 2 क्लास कवर कर लिए। अभी मैं आपसे मिलता हूँ मेरे 1 आवर ब्रेक के बाद। 1 hour later. आज ना मेरा लेग डे था, और जिस दिन लेग डे रहते हैं ना, उस दिन ना सीढ़ी पे चढ़ा जाता है ना सीढ़ी से उतरा जाता है। भाई साहब, इतना लेग पेन होता है ना, क्या बोलूं। एंड ये सारे बुक्स मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, बिकॉज कि इतने सारे बुक्स तो मैंने रखे, पर डेली बेसिस पे ये सारे काम नहीं आते, कुछ ही काम आते हैं। एंड जितना ही पढ़ लो ना, ये सब बुक को देखे ना कमी लगता है, इसलिए सब बुक्स को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि इनको देख के ना एक अलग सा प्रेशर सा फील होता है। एंड यहाँ पे मैंने अभी वही बुक्स रखे जो कि मुझे डेली बेसिस पे या फिर हर एक 2 दिन में काम आते रहते हैं, बाकी सब को मैंने उसमें रख दिया हूँ, जब मुझे लगेगा तब मैं निकाल लूँगा। और ये अभी मैंने GST का रिविजन स्टार्ट कर दिया हूँ, बिकॉज कि जब से मैंने GST की क्लास लेना स्टार्ट किया ना, मैंने अब तक एक बार भी से रिवाइज नहीं किया एक भी क्लास को, तो अभी मैं एक एक क्लास के नोट्स को रिविजन कर रहा हूँ। एंड किसी ने तो पूछा था कि आप रिवीजन करते समय कौन सा म्यूजिक सुनते हो, तो चलो आप लोगों को बताता हूँ। अरे यार, इसमें एक्सटेंशन लगा है, 1 मिनट मुझे माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर खोलना पड़ेगा। तो देखो, ये सारी म्यूजिक है जो कि मैं स्टडी करते समय या फिर नोट्स बनाते समय प्ले कर देता हूँ, बिकॉज कि बोर नहीं होते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर
फिर मैंने 5 क्लास के नोट्स रिवाइज कर लिए, बेसिक नोट्स से इसलिए रिवाइज हो गए। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, होप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग, मचाते रहो।